तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डेटा। अब इस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है ना वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था, तो आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 18A। तो 18A को पढ़ने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना क्योंकि उसमें हमने पूरा इसका बेसिक बताया हुआ है, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप एक्सरसाइज को बहुत ही इजिली कर ले जाओगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज 18A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसमें पूछ रहा है फाइंड द मीन ऑफ, हमें क्या बताना है इसमें मीन बताना है। इसके टोटल 5 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के, तो पांचों पार्ट का हम लोगों को ये सॉल्व करना है और सभी में हम लोगों को क्या करना है मीन निकालना है। तो सबसे पहला पार्ट पूछ रहा है द फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, इसका मीन निकालो। दूसरा इसमें तो कह रहा है जब फर्स्ट 10 ऑड नंबर, इसका मीन बताना है। और यहां पर तीसरा है तो इसमें कह रहा है द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5, ये बताना है। फोर्थ में ऑल द फैक्टर ऑफ 20, फिफ्थ है ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 80, ये हमें करने हैं फाइंड, ठीक है। इन सभी का मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें हमें निकालना है द फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। तो भैया पहला 8 नेचुरल नंबर क्या होता है, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये पता है। देखो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, ये होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमें इसमें 8 तक नेचुरल नंबर बताने और उसका मीन निकालना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 1, ओके नेचुरल नंबर हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, हो गया हमारे पास 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। तो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर, ठीक है। हमको अब क्या फाइंड करना है इसमें, हमको फाइंड करना है मीन। तो भाई साहब इसका जो मीन है ना, और मीन फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर है। तो हम लोग वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग मीन, मीन है यहां पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके यहां लिखा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहां पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो यहां पर टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं उनका हमें करना है सब, जैसे यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, सबको हमें कर देना ऐड। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कर दिया 2, प्लस हो जाएगा 3, प्लस हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 5, प्लस 6, प्लस 7 और ये हो गया प्लस 8, ठीक है। अब डिवाइड में क्या करेंगे, यहां पर लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है वो लिखना है, कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहां पर टोटल 8 नंबर है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी, यहां पर हमें इसे काउंट करना है, सॉरी इसको हम लोगों को ऐड करना है, तो ऐड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 1, 2, 3 इसको ऐड करते जाओ। अगर मान लो कॉन्टिन्यू ऐसे ही हमारे पास 100 तक के नंबर होते हैं, 8, 9, 10, 100 तक होता, तब उसको ऐड कैसे करते, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ऐड करने में। तो इसका एक तरीका होता है ऐड करने का, ठीक है। अगर कोई भी नंबर कॉन्टिन्यू में, जैसे ये कॉन्टिन्यू चला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे अगर नंबर आते हैं उनको ऐड करना है, तो उनको ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n+1, ठीक है, और यहां पर n और डिवाइड में हो जाएगा 2। ये इजी है, ये आपको क्या करना है, रफ में लगाना है, ठीक है, ये आपको रफ में करना है और जो आएगा यहां पर लिख देना। अगर चाहो तो ऐसे ऐड कर सकते हो तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ओके। अब बात करते हैं इसको, ठीक है, इसे रफ में करना है, जो भी करना है। यहां पर n क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। देखो यहां पर टोटल कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, तो हमने यहां पर लिख दिया 8 n की जगह पे, अंदर भी 8 n है तो यहां पर भी 8 कर दिया, प्लस 1 कर दिया और डिवाइड में आ गया 2, ये हो गया 8 इनटू, ठीक है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई में होगा, 8+1 हो जाएगा 9, डिवाइड में हो जाएगा यहां पर 2। अब क्या करो, 8 × 9 करो, 8 × 9 से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर हो जाएगा 72, तो यहां 72 कर दो और यहां पर डिवाइड में आ गया 2। अब इसको हम लोग करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करो भाई साहब, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमको मिल जाएगा 2 3 हो जाएगा और यहां पर 2 6 हो जाएगा, तो यहां मिल गया 36। तो जब इसको ऐड करोगे ना भाई, तो इसको ऐड करने में मिल जाएगा 36 और डिवाइड में आ जाएगा 8, ओके क्लियर है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसे हम लोग 4 से करते हैं, 4 से चला जाएगा 4, 9 जा 4 2 जा चला जाएगा, यहां आ जाएगा 9/2,
क्लियर है। अब इसे कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.5। तो 4.5 हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। अब एक चीज यहां पर ध्यान देना, ठीक है, मीन हमारा इस पहले वाले क्वेश्चन क्या आ गया, 4.5 आ गया, और हमें यही निकालना था। ये जो हमने फॉर्मूला बताया है, ये जो तरीका बताया है, इसको क्या करना है, ये वहीं पर अप्लाई होगा जब हमारे नंबर कंटिन्यू होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तभी हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर यहां पर 1 होता, फिर यहां पर 10 होता, यहां पर 6 होता, यहां पर 4 होता, यहां कुछ और होता, ऐसे नंबर होते हैं, तो उस जगह ये नहीं हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए इतना। तो ये हो गया हमारा पहला। अब इसी तरह हम लोग इसका सेकंड में आते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड पार्ट है इसी का, तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें हमको फाइंड क्या करना था, इसमें हमें फाइंड करना है द फर्स्ट 10 ऑड नंबर। पहले 10 ऑड नंबर हमें बताने हैं। यहां पर लिखते हैं फर्स्ट 10 ऑड नंबर। क्लियर, यहां पर हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 ऑड नंबर हमें इसमें फाइंड करने हैं। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। अब हमें फर्स्ट 10 नंबर हमें निकालने हैं ऑड, तो चलो इसमें हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट 10 नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास, जैसे 1 हो गया पहला ऑड हो गया, ठीक है, ये हो गया 3, 5 हो गया हमारे पास, 7 हो गया और 9 हो गया, फिर हो जाएगा हमारे पास 11 हो गया, और ऐसे ही हमारे पास हो जाएगा 13, 15 और फिर हो जाएगा 17 एंड 19। ये हो जाएंगे हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे ऑड नंबर। हम लोग इसी का निकालेंगे मीन, ठीक है। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला हमने ऊपर लगाया था, सेम वही इसमें भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा मीन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया। अब यहां पर जो मीन है, जो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, ये इसका मतलब हो रहा है इन सभी का हो करेंगे हम लोग सम। तो ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 5 प्लस 7 और यहां पर प्लस 9 प्लस 11 15 17 और ये हो जाएगा 19। क्लियर है। अब यहां पर है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है, तो टोटल 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां पर हमने कर दिया 10। अब हमें क्या करना है, इनको करना है ऐड। ओके, तो जब इसका ऐड हम लोग करेंगे, तो ऐड करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसको ऐड कर लेना, तो ऐड करने के पास यहां पर मिल जाएगा तुम्हें 100। तो 100 आ गया यहां पर। ओके, डिवाइड में 10 है, तो ये हो जाएगा तुम्हें मिल जाएगा 10। तो इसका मीन आ गया 10। तो ये जो प्लस है ना, ये खुद से करना, ओके, खुद से ट्राई करना सही है या नहीं। वैसे तो हमने सही किया है, आप खुद से भी ट्राई करना। तो ये हो गया सेकंड का मीन। अब इसी तरह हमारे पास जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5। फर्स्ट 7 बताने, मल्टीपल्स ऑफ 5 बताने, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये भी। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको चलो करते हैं, यहां पर लिखते हैं फर्स्ट है हमारे इसी का, हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है द फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, ये हमें करना है फाइंड। अब देखो यहां पर फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब हो रहा है कि 5 का मल्टीप्लाई करना है 7 तक, मतलब 5 1 5 5 2 10 5 3 15, ऐसे हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, 5 7 जो नंबर आएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास, देखो 5 1 5 एक हो गया, और 5 2 10 हो गया 15, और यहाँ पर 20। क्लियर है, यहाँ पर 25 हो जाएगा और 30 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 35। क्लियर, तो ये हो गए हमारे 7 5 मल्टीपल्स। अब हमें इसका भी मीन निकालना है, तो मीन निकालने का तो फॉर्मूला पता ही है, तो यहाँ पर करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में इनको हम लोग प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 15 और प्लस यहां पर 20 प्लस 25 प्लस हो जाएगा 30 और यहां पर हो जाएगा 35। अब डिवाइड में होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है, 7 नंबर है, तो यहां पर 7 कर दिया। अब इन सभी का करना है प्लस, तो मीन निकलेगा कैसे, जब इसको प्लस करके 7 से कर देंगे डिवाइड, तो प्लस करने में आ जाएगा 140। ओके, प्लस करके देखना, डिवाइड में हो गया 7, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 20। तो मीन आ गया तीसरे का हमारे पास 20। अब इसी का हम लोग करेंगे, कौन सा, ये जो तीसरा था, अब हम लोग इसी का करेंगे फोर्थ वाला।
क्लियर है। तो फोर्थ में जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्या रहता है, ऑल द फैक्टर ऑफ 20, 20 के हमें फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो यहां लिखते हैं ऑल द फैक्टर ऑफ 20, 20 का फैक्टर हमें इसमें निकालना है। देखो 20 का फैक्टर कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, फैक्टर निकालना। तो यहां लिखा हमने 20, फैक्टर कर दो भैया, 2 से कर दो यहां पर 10 आ जाएगा, फिर यहां से 2 से कर दो तो यहां 5 हो जाएगा, ओके 5 से कर दो तो यहां पर आ जाएगा 1। तो फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, यहां पर 5 मिल गया। ऑल मतलब सभी हमें फैक्टर निकालने हैं, तो यहां पर हमें मिल गया कि ये भैया 2 से जाएगा, ठीक है 2 से चला गया। अब यहां पर और किसे जा सकता है, देखो 1 से भी जाएगा, किसी का भी फैक्टर निकालना होगा वो 1 से तो जरूर ही जाता है, फिर 2 से हो गया। अब यहां पर हमें पता है कि 2 2 से हम लोग कर देंगे 4, ठीक है, तो यहां पर 4 हो जाएगा, 4 से भी 20 चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, तो 5 कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या होगा, 2 5 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से भी चला जाएगा और 20 से भी चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया 20, तो ये हो गए इसके फैक्टर, क्लियर हो गया। तो फैक्टर हो गए, अब हमें क्या निकालना है, इससे मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर, मीन का जो फॉर्मूला है यहां पर भी भाई लगाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, प्लस 5, प्लस 10 और प्लस 20, क्लियर है। अब इसको ऐड करो और यहां पर किससे हमें डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 आ रहा है, तो यहां पर हमने 6 कर दिया, क्लियर है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 42, ओके, और डिवाइड में आ गया 6, तो 6 से करोगे 6 7 से चला जाएगा। तो मीन हमें कितना मिल गया, तो मीन मिल गया हमारे पास 7 आ गया, हो गया यहां पर फोर्थ का आंसर। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ में, तो फिफ्थ जो है हमारे पास उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें कह रहा है ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 80। देखो 50 और 80 के बीच के हमें प्राइम नंबर यहां पर बताने हैं, ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं ऑल प्राइम नंबर बिटवीन किसके बीच के भैया, 50 के और किसके बीच की, 80 के बीच में, इसके हमें प्राइम नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, पहले तो समझो प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर जो खुद की ही टेबल में आए या फिर 1 में आए और किसी से ना हो, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो वो प्राइम नंबर क्या क्या होंगे 50 से 80 के बीच के, ठीक है, वो हमें बताने हैं। तो सिंपल है, यहां पर प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 51 हो सकता है, क्या देखो होगा 51 किसी टेबल में आता हो सकता है क्योंकि ये डिविजिबल है, 52 भी हो सकता है मगर 53 नहीं हो सकता, तो यहां पर होगा 53, ओके। अब दूसरा देखो कौन सा हो सकता है, 54 होगा, बिल्कुल ये डिविजिबल है, 55 भी डिविजिबल है, 5 से जाएगा, 56 भी है, 7 भी है और 59 नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा 59, क्लियर है। अब इसके आगे देखो क्या होगा, 60 है, 60 तो डिविजिबल है मगर 61 किसी की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 61 हो जाएगा, वैसे ही हमारा हो जाएगा 67 हो जाएगा और यहां पर 71 हो जाएगा और 73 हो जाएगा, फिर लास्ट में हमारे पास हो जाएगा 79, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास डिविजिबल वाले नंबर, ठीक है, जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो यहां पर हमें क्या निकालना था, मीन निकालना है। तो इसका मीन देखो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी, जैसे हमने सारे निकाले, यहां लिखा हमने मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सभी का सम करना है, तो 53 हो गया, प्लस हो जाएगा 59 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 61 प्लस 67 प्लस 71 और प्लस 73 और प्लस 79, ठीक है, और डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें करना है, तो क्या हो जाएगा यहां पर 7 आ जाएगा। अब देखो इसको ऐड करने का तरीका समझ लो, पहले ऐड कैसे करना है, जैसे कि यहां पर लिखा 53 है ना, तो यहां पर 50 कर दो 60 ऐसे ऐसे ऐड करो, जो पीछे वाले नंबर है उनको बाद में ऐड कर लेना, ठीक है। तो जब ऐसे ऐड करोगे तो टोटल ऐड करने में क्या मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा 463 और डिवाइड में क्या है 7 है, तो 7 से जब करोगे डिवाइड, तो तुम देखो अगर चाहो अपना क्वेश्चन को यहां तक छोड़ सकते हो, ठीक है, यहां तक भी पूरे नंबर मिलेंगे कटिंग नहीं, अगर इससे आगे डिवाइड करना तो डिवाइड करो तो आंसर आएगा 16 1/66 1/7, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, अगर नहीं इसके आगे करना है तो यहां तक भी रखोगे तो भी पूरा आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब ऐसे ही हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कह रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 10 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी आर 2 4 3 4 एंड सो ऑन, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द चिल्ड्रन पर फैमिली। हमें मीन नंबर निकालना, मतलब मीन फाइंड करना,
तो मीन हम लोग वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट में फाइंड किया, ठीक है। उसी फॉर्मूले से हम लोगों को ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो चलो आते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई है, सॉरी नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, और यहाँ पर हमें मीन पूछा हुआ है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का जो भी फॉर्मूला हमने बताया था वही फॉर्मूला इसमें हम लोग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे मीन, और मेन का फॉर्मूला था हमारे पास सम ऑफ नंबर, ठीक है, या फिर लिखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, या फिर सम ऑफ नंबर भी कर दो। यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहां पर क्या है हमारे पास 2 है, तो यहां लिखा 2, ये हो जाएगा 4, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस हो गया 2 यहां पर, प्लस 0, प्लस 3, प्लस 5, प्लस 1, और यहां पर प्लस 6, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां पर है हमारे पास 10। अब इसको क्या करना है, ऐड कर देना है सिंपली, यहां पर शायद 16 है या फिर 6 है लास्ट में, क्लियर करते हैं, लास्ट में हमारे पास है 6, ओके 6 है, ठीक है, 16 नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। तो जब इसको ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, यहां पर ऐड करने में आ जाएगा 30, डिवाइड में है 10, कैंसिल करो तो ये हो गया 3। तो जो मीन हमारे पास मिल गई है सेकेंड क्वेश्चन की, वो हो गई हमारे पास 3, ओके। तो ये हो गया सेकेंड का सोल्यूशन, बहुत इजी ये एक्सरसाइज है। अब आते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो ये कह रहा है द फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ बुक्स इशूड इन अ स्कूल लाइब्रेरी ड्यूरिंग अ वीक। अब फाइंड हमें यहां पर करना है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स इशूड बाय पर डे। अब यहां पर नंबर ऑफ बुक हमें करना है एवरेज। अब यहां पर एवरेज कैसे निकालेंगे, अभी तक तो हम लोग मीन निकाल लेते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मीन और एवरेज का मतलब ही एक होता है, या फिर मीन बोलो या फिर एवरेज बोलो, क्योंकि जब भी हम लोग मीन फाइंड करते हैं तो वो एवरेज ही होता है, ठीक है। और यहां पर घुमा के पूछ लिया, सीधा कह दिया फाइंड द एवरेज पूछ लिया, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, बेसिकली इसमें भी फाइंड करना होगा मीन, समझ गए। तो चलो आते हैं इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है ये भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, तो तीसरे में हमारे पास जो बुक्स हैं, जैसे कि बुक है हमारे पास क्या है, फॉलो आर इन द नंबर ऑफ बुक्स, ओके। तो पहला है हमारे पास 105 है, फिर है हमारे पास 216 और 322, 167, 273, 405 एंड लास्ट में हमारे पास है 346, ये हमारे पास है, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना भैया, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां कर दिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहां पर हो जाएगा टोटल नंबर, सॉरी यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को कर देंगे एड, ठीक है। तो यहां पर 105 ये कर दिया हमने प्लस 216 हो गया, ये हो गया प्लस 322 प्लस 167 प्लस 273 प्लस 405 प्लस 346, और डिवाइड में क्या है यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो गया हमारे पास 7, ठीक है। अब हमें इसे ऐड करना है। देखो इसमें ऐड करने का जो तरीका होगा उसको देख लो, यहां पर 100 है, 200, 300 और 303 हो जाएगा 6, और यहां पर 100 हो जाएगा 7, 789 हो जाएगा, ठीक है, और 94 हो जाएगा 13, और 133 हो जाएगा 16, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1600, ओके। देखो हमने सिर्फ आगे आगे के लिए पीछे वाले अभी लेते, ये है हमारे पास 5 है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास 16, और 5 और 16 हो जाएगा 21, 21 और 22 हमारे पास हो जाएगा 43, 43 और 67 हम लोग करेंगे तो 110, और 110 और 73 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 110 और 73 183, 183 और 5 कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 185, और 46 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा
234, ओके, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 234, तो ये तरीका होगा हम लोगों को ऐड करने का। तो ऐसे ही ऐड करना, बड़े बड़े जब आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा 7। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो प्लस करने में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये कर दो 4, ओके, तो यहाँ पर 4 हो गया, और ये 3 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर है हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 7। अब 7 से जब डिवाइड करोगे तो 7 टू 14 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और 7 6 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो मीन आएगा 262 आ जाएगा, ओके। तो यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, समझ गए इतनी बात। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 262, और ये हो गया मीन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4, द डेली मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन फ़ारेनहाइट एट अ प्लेस ड्यूरिंग 6 डेज ऑफ वीक वाज एज अंडर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिकॉर्डेड टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है मीन, ओके। तो बहुत इजी है, जैसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 3 किया है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर 4 भी करेंगे। तो ये जो टेम्परेचर लिखा हुआ है ना, ये हमारा रिकॉर्ड किया गया है वीक में, ओके। अब इसमें हमें निकालना है मीन, तो मीन निकालने का भैया तरीका जो है वही रहेगा। तो यहाँ लिखा हमने मीन, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां लिखा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और यहां पर नंबर ऑफ हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां पर हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहां पर देखो 35.5, तो 35.5 हो गया, प्लस कर दो यहां पर 30.8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 27.3, और यहां पर प्लस 32.1, प्लस 23.8, प्लस 29.9, और डिवाइड में देखो क्या आएगा, यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा, तो इसको भैया ऐड कर लो। तो हमने ऐड करना कैसे बताया था, जैसे हमने पिछले में बताया था सेम वैसे इसको भी ऐड करो। अब हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पता, तो इसमें हमारे पास आएगा 179, और यहाँ पर हो जाएगा 0.4, ओके, और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर 6। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 29.9, ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया सोल्यूशन। अब देखो ऐड करने का तरीका हमने जो पहले बताया था ना, वैसे ही इसमें भी करना, पहले 35 कर देना, ठीक है, 20 कर देना, फिर यहाँ पर 32 कर देना, 23, फिर 29, फिर बाद में 5 को ऐड कर देना, फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद वाले ऐड कर देना। ऐड कर लोगे सही से तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 यहाँ कह रहा है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। अब लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का हमें मीन भी बताना है, और साथ में यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो यहां पर 5 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, इसी से मीन भी निकालो, इसी से एक्स की वैल्यू निकालो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो बिल्कुल अलग है अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए, मगर करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, आते हैं हम लोग अपने नोटबुक में। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इसमें हमारे पास जो भी 5 ऑब्जर्वेशन दिए थे ना, उसको सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन था हमारे पास द फर्स्ट, लिख दिया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 5 है ना, तो यहां पर 5, यहां पर कर दिया ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आर, आर हो जाएगा हमारे पास एक्स, ठीक है, और यहां पर है एक्स प्लस 2, और यहां पर है एक्स प्लस, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 8, ये ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो ये ऑब्जर्वेशन होगी। अब हमें इसमें क्या निकालना है, मीन निकालना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो भैया जो मीन निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था पता है, देखो यहां पर लिखते हैं मीन, यहां कर दिया मीन इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां लिखा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो सम ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास क्या है, ये है, तो यहां लिखा हमने एक्स, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2, फिर हमारे पास है एक्स प्लस 4, और यहां पर है एक्स प्लस 6,
एक्स प्लस एट। लास्ट में हमारे पास क्या है यहाँ पर, डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास, फाइव है, तो यहाँ पर हमने फाइव कर दिया। अब देखो यहाँ पर मीन, मीन हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसमें गिवन है, तो मीन कितनी है यहाँ पर, यहाँ पर मीन है हमारे पास 13। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ द मीन ऑफ द फाइव ऑब्जर्वेशन एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस एट इज 13, जो ये 13 है यही हमारी क्या है, मीन है। क्लियर है। अब फाइव हमारा किस में, डिवाइड में, यहां आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 13 और यहां पर इंटू हो जाएगा 5, अब यहां पर इक्वल्स टू हो जाएगा, अब x x x x x इनको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास है 2 4 6 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा हमारे पास कितना, 12 8 हो जाएगा 20, ये हो गया 20। अब 13 इंटू हम लोग कर देते हैं 5, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 65। अब यहां पर हमारा 20 प्लस का यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू हो जाएगा 5x। अब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो 45 हो गया, अब 5 मल्टीप्लाई में यहां आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू x हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 5 9 जा, तो x जो हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया, वो आ गया है 9। क्या आ गया, 9 आ गया। ओके, तो x हमारे पास आ गया 9। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन की मीन फाइंड करना है, तो ऑब्जर्वेशन की जो मीन होगी हमारे पास, देखो लास्ट में तीन कौन से, ये और ये, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखा हमने द लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन, तो लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन आर हमारे पास हो जाएंगे, देखो पहले ही हमारे पास एक्स प्लस फोर, ओके, फिर है हमारे पास एक्स प्लस सिक्स, फिर x प्लस एट। अब x की जगह पे हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की 9, तो यहां पर होगा 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 13, तो ये हो गया 13। अब यहां पर है 9 प्लस 6, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। अब यहां पर है x प्लस 8 है, तो 9 प्लस 8 कर देते हैं तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 17, तो ये हो गया हमारे पास लास्ट थ्री ऑब्जर्व। अब हमने यहां पर लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन तो निकाल लिया है, ठीक है, अब हमें निकालना है इसकी मीन, तो मीन निकालने के लिए हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे मीन वाला, यहां लिखेंगे मीन, ओके, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड में हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा हमारे पास 13 प्लस हो जाएगा 15 और प्लस हो जाएगा 17, और डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 है, तो यहां पर 3 कर दिया। अब इसे ऐड कर देंगे तो ऐड करने में आएगा 45, तो 45 को 3 से डिवाइड करो तो भैया हो जाएगा यहाँ पर 15, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास मीन, और जो मीन आया है वो है हमारे पास 15, और ये हो गया क्वेश्चन का सलूशन। तो आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और इस तरह के सारे सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो।